अरे पूजा कैसी है? मुस्कान, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और बता यहाँ क्या कर रही है? अरे एक फाइल है ना बस। ओ फाइल, तो तुझे पता चल गया कि मेरे पास बहुत पैसा है। वैसे तुझे तो पता ही था कि मैं स्कूल टाइम से कितनी अमीर हूँ, इसलिए तू यहाँ पक्का जॉब ही मांगने आई है ना? ऐसी कोई बात नहीं मुस्कान। बस बस, मैं समझ गई तू मुझे क्या कहना चाहती है। और तुझे पता है हमारे स्कूल के जितने फ्रेंड्स हैं ना, सभी मुझसे जॉब मांगने आए थे। एंड आई नो तू भी यहाँ जॉब ही मांगने आई है। और तू टेंशन मत ले, मैं तेरी जॉब कहीं ना कहीं लगवा दूंगी। और सबसे पहले हम मेरे घर चल रहे हैं। पर अभी इस टाइम में क्या, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। हम घर चल रहे हैं तो चल रहे हैं, चल। पूजा इनसे मिल, ये है मेरे हस्बैंड, आ बैठ। नमस्ते। आ बैठना। मुस्कान, ये किस आंटी को ले आई तुम अपने घर में? ये आंटी नहीं है, मेरी दोस्त है। दोस्त? अरे ऐसी दोस्त कब से होने लगी तुम्हारी? पहनावे से ही आंटी लग रही है ये तो। मुस्कान, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। अच्छा मैं चलती हूँ ना, घर तो देख ही लिया मैंने, मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। अरे ऐसे कैसे, कहाँ जा रही है? पहले पूरा घर तो देखती जा, अभी तूने देखा ही क्या है। वैसे दीपांशु, तुम ना काम वाली को बोल कर ना इसके लिए कप चाय मंगवा दो, वो जो मैं ब्राजील से लेके आई थी ना, वो वाली। अरे पागल हो गई हो, वो ब्राजील वाली चाय? अरे हजम नहीं होगी इन्हें, कभी पी ही नहीं होगी, है ना? हाँ ये एकदम सही कह रहे हैं, और मेरा चाय पीने का मन भी नहीं है, हस्बैंड आने वाले होंगे ना, मैं निकलती हूँ। अरे रुक तो दीपांशु, वो जो मैं शेड्स पेरिस से लेके आई थी ना, वो शेड्स ले आओ। पूजा तू ना वही पहन कर जाना। अरे यार पागल हो गई हो, ऐसे ही किसी को भी दे दोगी, टूट जाएगा वो, सबसे हैंडल नहीं होता। वैसे पूजा तू जिस सोफे पर बैठी है ना, ये पूरे 70,000 का है, और ये जो तू कर्टन्स देख रही है ना, ये पूरे 25,000 के है, और ये टेबल तो देख, ये पूरे 30,000 का है। वैसे तूने ये सब चीजें देखी नहीं होंगी ना? और अपनी उस रिंग के बारे में तो बताओ तुम। अरे हाँ मैं रिंग के बारे में तो बताना भूल ही गई, मेरे पास ना एक रिंग है, वो भी पूरे 6,00,000 की। वैसे तेरी ये रिंग कितने की होगी? इसकी रिंग कितने की ही होगी, 150 रुपए की होगी, इतने की है ना? वैसे अच्छा लगा तू अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ चुकी है, ऐसी तरक्की कर, और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। अब मैं चलती हूँ ना, हस्बैंड पहुंच ही गए होंगे यार। वैसे ऑल द बेस्ट की ना तुझे जरूरत है, मुझे नहीं, मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। और तेरी जॉब ना मैं लगवा दूंगी, तू फिक्र मत करना। और एक चीज बता, तू ऑटो से जा रही है या फिर मैं ड्राइवर को कह के छुड़वा दूं तुझे? उसकी जरूरत नहीं, मेरे हस्बैंड आ ही गए होंगे, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा तो फिर मैं तुझे नीचे तक छोड़ने चलती हूँ। ठीक है। हाय सर, कैसे हैं आप? पूजा तुम्हें पता है यही मेरे बॉस है, और मैं ना इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। वैसे तू तो इन्हें जानती होगी ना, क्योंकि इतनी जानी मानी हस्ती जो है ये। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए आया था। आपकी वाइफ यहाँ? मैं कुछ समझी नहीं। ये रही ना मेरी वाइफ पूजा, इनसे तो मिली होंगी। पूजा तुम इनकी वाइफ हो? हाँ मुस्कान, इन्होंने मुझे बताया था कि ये तुम्हें प्रमोशन देने वाले हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं तुम्हें सामने से आके ये गुड न्यूज सुनाऊंगी, और काफी टाइम हो चुका है मिले हुए, तो तुमसे मिल भी लूंगी, साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी। पर मैंने एक बात भूल गई थी कि इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं है। जैसे तुम पहले थी ना, बदतमीज, लोगों को नीचा दिखाती थी, उनका मजाक उड़ाती थी, आज भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदली हो तुम। और आपको पता है सागर, इसने मेरी कितनी बेइज्जती करी है, क्या कुछ नहीं सुना है इसने। बोलती है कि मेरे पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगा घर है, पता नहीं क्या क्या शो ऑफ कर रही थी। आज ना मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए, शर्म आती है कि एक टाइम पर तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी। मुस्कान मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब करोगी। वो तो एक्चुअली मेरी पूजा से बात चल रही थी कि मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, मैं उसका प्रमोशन करने वाला हूँ, तो इसने बताया कि तुम इसकी दोस्त हो, लेकिन तुम इसके साथ ऐसा करोगी, मेरी वाइफ की इंसल्ट करोगी। और मुस्कान सच बताओ ना, तुम इस प्रमोशन के लायक नहीं हो, और सिर्फ प्रमोशन प्रमोशन नहीं, तुम इस जॉब के लायक नहीं हो। और जो लड़की मेरी वाइफ की इज्जत नहीं कर सकती ना,
उसका मेरी कंपनी में कोई काम नहीं है। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मुझे पता नहीं था कि पूजा आपकी वाइफ है। जाने जाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। और सर आपको नहीं पता मुझे इस जॉब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम सॉरी पूजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? उसका माफ़ी मांगने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सब ना तुम्हें शो ऑफ करने से पहले सोचना चाहिए था यार। तुमने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है। मेरी दुनिया में मेरी वाइफ ही मिले सब कुछ है, तुमने उसकी इंसल्ट कर दी तो क्या ही बचा है। और हाँ, यू आर फायर्ड। सर प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए एक बार प्लीज़ सर।